वंशज संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता दीन बंधु दीनानाथ जगत नियंता जगदाधार जगत स्त्रोमण जगदोधारक प्रभु श्री राम मेरे अग्रज आपने सारे समाज ने मारा सीरत जत की घोषणा को सुना। सारे समाज में के अंतर्गत इनका कथन हुआ कि वीर विहीन मही में जानी। आज इस घोषणा को सुन लक्ष्मण के हृदय में सूलों की भात चुभ रहा है। आज हृदय में यह कंटक भेदन कर रहा है। नाथ आप शांत बैठे हैं, आप यहाँ बैठकर ऐसा उपहास समस्त वीर जात का हो रहा है, यह लक्ष्मण सहन नहीं कर सकता। क्योंकि माता का अपमान जिस स्थान पर हो जाए उस स्थान पर पुत्र को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मात्र देवो भाव माता ही देवता है। आज उस देवता का अपमान इस समाज के अंतर्गत लक्ष्मण को सहन नहीं होता। प्रभु आज आप रघुवंशी इस समाज में उपस्थित है। रघुवंशी में जहां तुम हो तई समाज अस कहे न कोई कही चलत जस अनचित वाणी रघ विद्यमान रकुल मर जानी। आज जहां रकुल के मणि उपस्थित हो उस समाज में कोई ऐसी वाणी कदाप नहीं कह सकता, ये किंचित मात्र शोभा नहीं देता। नाथ हम सच्चे योद्धा है, अरे सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते है। गुरुवर के चरणों का बल है, आसरा आपका रखते हैं, आदेश आपका पाऊ मैं तो तुच्छ धनुष की क्या बसात सारा ब्रह्मांड उठाऊ मैं। फिर कच्चे घड़े समान से छड़बल में फोट फाट डालू, गाजल मूली की भात चुटकी में तोड़ता डालू, जल को थल थल को जल सिंध में डुबो दूं तारों को, सुरमे की भात पीस डालू पृथ्वी और पहाड़ों को, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊ मैं अम्मान से नहीं कहता। आपका आदेश मिल जाए जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिम डारो फोरी सकूं मेर मुलक जिम थोरी, नाथ जान अस आए सोई को तो करो ब्ले तो सोई। नाथ आपका आदेश मिल जाए तो सत्य योजन तक प्रमाण ले धाऊं, मैं सौ योजन तक दौड़ा चला जाऊं इस धनुष सहित, लेकिन आपका आदेश नहीं मिलता। क्या मौन सुकृति को मानू, मौने सुकृति लक्षणम मौन सुकृति का लक्षण है, लेकिन ना आपका आदेश नहीं मिलता। इसलिए नाथ ऐ रघुपत कैसा अंधेर, ऐ रघुपत कैसा अंधेर, राज समाज में जनक राज जी वीरों को लड़कारते रहे, आप राजे सिंहासन पर मन ही मन मुस्कुराते रहे, समझ सका न प्रभु का फेर, रघुपत ये कैसा अंधेर, रघुपत ये कैसा अंधेर, क्रोध युक्त वाणी के द्वारा शब्दों के बरसे अंगारे, फरा फुफोलों से हृदय पीड़ा तन में संचारे, सहन नहीं होती प्रभु देर, रघुपत ये कैसा अंधेर, रघुपत ये कैसा अंधेर, राज समाज में जनक राज जी बीलों को लकारते रहे, आप राज्य सिंहासन पर मन ही मन मुस्कुराते रहे, शीर्ष स्वयंवर अन्वेषण में क्या सभी आशा लेकर आए, जिनको देखकर विलयराज ने आज यहाँ काय ठहराए, भूल गए बैठे नरसेर, रघुपत ये कैसा अंधेर, रघुपत ये कैसा अंधेर, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तोड़ो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बल्लाभ, जो न करो प्रभुपत शपथ कर न धरो धन भात, यदि मैं आज इसको छत्रक गुरमस्ते की भात न तोड़ दूं तो मैं इस धनुष को लेकर इसको धनुष को कभी धारण न करूंगा, मैं सिर्फ आपके चरणों की प्रतिज्ञा करता हूँ। लक्ष्मण व्यथित विदेह को बाघ के बाणों से बीन कर रख दिया तुमने। महात्मा विदेह कितने दुखी है, अपने पिता के समान है, पुत्री का विवाह संपन्न नहीं हो पाए उस पिता की दशा क्या होगी, तुमने ये देखा। आज वीरों के इस विशाल स्वयंवर में वीरों की प्रतियोगिता में मिथिला के समाज में वीरों की प्रतियोगिता हुई, वीरों की परीक्षा हुई, परीक्षा में लोगों ने पूछा कितने परीक्षार्थी थे, 10,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। जब परीक्षा फल घोषित हुआ तो परीक्षा फल रहा शून्य, सभी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए। महात्मा विदेह ने देखा दो परीक्षार्थियों ने भाग नहीं लिया, एक मुनिराज के साथ सिंहासन पर आसीन है और दो परीक्षार्थी हैं कौन,
एक है झंडा और एक है डंडा। रघुवंश का झंडा राम और झंडे में लगने वाला डंडा लक्ष्मण। झंडा और डंडा दोनों लापरवाह हैं। इन्होंने धनुष की तरफ देखा तक नहीं, इन्हें क्रोध आ गया। इन्होंने सोचा हम ज्ञान के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे डंडा खड़ा हो जाएगा, और जब डंडा खड़ा होगा तो डंडे में झंडा होता है, झंडे को भी खड़ा होना पड़ेगा। डंडा और डंडा दोनों खड़े हो गए लक्ष्मण। ये इनकी युक्ति है, ज्ञान की युक्ति। इसलिए लक्ष्मण तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे 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 वचन पिता को सुनाया न कीजिए, ऐसे वचन पिता को सुनाया न कीजिए। अरे इनके हृदय को भैया दुखाया न कीजिए, ऐसे वचन पिता को सुनाया न कीजिए, ऐसे वचन पिता को सुनाया न कीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए लक्ष्मण। ये जनक अपने जनक के समान है। जनक होता है पिता, पुत्री का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, बेचारे रो रहे हैं। ये तो जनक है भैया अपने जनक समान, जनक होता है पिता अपने जनक के समान है। ये जनक है भैया अरे अपने जनक समान, ऐसे ऐसे सताए को सताया न कीजिए, ऐसे सताए को सताया न कीजिए। अरे इनके हृदय को भैया दुखाया न कीजिए, ऐसे वचन पिता को सुनाया न कीजिए, ऐसे अरे मत हो भैया त्यागो ये क्रोध को, लखन लखन तुम शांत चुप बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, पिता के सम ये तुम्हारे हैं कि जिनसे आज लड़ते हो। भले अपमान मिल जाए याद रखो, कन्या के विवाह में अगर जाया जाए तो सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए। बात बिगड़ रही हो तो बन जाए और अपमान भी सह लो, लेकिन बात बन जाए, यहाँ बात बिगड़ रही है। लक्ष्मण कन्या का विवाह है, सहयोग करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। मत हो विकल हो भैया और त्यागो ये क्रोध को, इनको विकल ऐसे बनाया न कीजिए, ऐसे वचन पिता को सुनाया न कीजिए। इनके हृदय को भैया अरे दुखाया न कीजिए, ऐसे वचन पिता को सुनाया न कीजिए। I see.
त्याग कर समय की प्रतीक्षा करो, समय के बिना कुछ कार्य होने वाला नहीं। जब तक पूज्य गुरुदेव का आदेश नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। हमारे पूज्य पर बैठे हुए हैं जो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ लक्ष्मण, शांत होकर बैठो। कुमार राम, मेरे समीप आओ। अब वह शुभ समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा में मैं था। उठो राम, भंजो भव चापा, मेटो ताप जनक परतापा। इस धनुष का खंडन कर दो। सखी के हे सखी, इस समय राजा को कोई ना क्यों समझाता है। इस समय राजा को कोई नहीं समझा रहा है कि हे सखी, इस समय राजा को कोई क्यों ना समझाता है। क्योंकि जो ये बालक धनुष उठाने के लिए जा रहे हैं, ये बालक इस हठयोग कहाँ है। ए सखी, कोई राजा से कह दे क्योंकि ये प्र छोड़ दें और जानकी की भामरे पड़ाएं। इसलिए जाओ। क्या करूं मैं बहुत, मेरा हृदय कंपायत हो रहा है कि प्र तो ऐसा किया लेकिन अब न जाने क्या होगा। ये बालक बड़े बाकुरे हैं और बड़ा हुआ साहस भी। मत देखो बाल अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। महारानी, ये बालक साधारण नहीं है, बहुत बलवान है। इसलिए छोड़ कर घबराहट महारानी धीरज धरी लेगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, महारानी धीरज रखिएगा। इसलिए महारानी धीरज रखो। ठीक है, चलो देखती हूँ। अजगो, मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की लेकिन उस सेवा का फल मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। हे माँ पार्वती, आपने मुझे वरदान दिया था कि मन जाहे राचू मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो। क्या आपका दिया हुआ वरदान आज मिथ्या हो जाएगा? क्या देवर्षि नारद के मुख से निकली हुई वाणी आज मिथ्या हो जाएगी? हे भगवान गणेश, मेरी लाज आज आपके हाथ है, मेरी रक्षा करना, रक्षा करना। कराहु सफल आपने सेवकाई, करही ते हरहो चाप गरुताई। गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि नो तू सेवा, आज लगे बारे बार विनती सुन मोरी। करो चाप गरु का अति भगवान।
है आपसे। मेरी लज्जा आज आपके हाथ में है मेरी रक्षा करना। कि हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की सारी सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न हरिए धनुआ की गरुता को। हे विधाता आज ये क्या होने वाला है। शिव का चाप ना टूटा कोई वीर से हिला भी ना सका। आज मेरी मांग में सिंदूर ना भर पाया कि बेरी मोहे भयारी बेरी मोहे भयारी जो धनुआ बेरी मोहे भयो भैया की जीवन की यही एक विशेषता है कि श्रीमान जी पहले तकते हैं फिर तोड़ते हैं। इन्होंने जीवन में पहली बार इसे तक लिया है और जिसे तक लिया है उसे तोड़ दिया है, तो इनका भी टूटना अब संभव हो गया है। इसलिए हमारा आदेश है जिस कुंजरऊ कमट अईकोला धरऊ धरन धर धीर न डोला राम चहे शंकर धन तोरा हो सजग सुन आयुष्मुरा। मेरा आदेश है सभी सावधान हो जाओ।